तो अगर हम देखें यूएस में, इंडिया में आपके कीवर्ड्स उठ रहे हैं, इज वर्किंग आउट अ हॉबी, बहुत बढ़िया बात है, आपके कीवर्ड्स अच्छे खासे पिक हो रहे हैं। सो आप यही कर सकते हो कि आपके जो कीवर्ड्स पिक हो रहे हैं, अब जैसे चक्रासन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो एक। हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आपकी सबमिट की हुई वेबसाइट्स का रिव्यू। दोस्तों कल मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जहां पे मैंने आपको बोला था कि आप मेरे को अपनी वेबसाइट को मेरे फॉर्म में सबमिट करिए और मैं आपकी वेबसाइट को रिव्यू करूंगा एंड बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इश्यूज या क्या क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हो और जिनको अगर आप फिक्स करते हो, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आप कैसे उनको फिक्स कर सकते हो। फिक्स करने के बाद आप अगर उस वेबसाइट पर सही से काम करोगे तो आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ 5 से 6 वेबसाइट्स को रिव्यू करने वाला हूं। मैं ऐसी इस पूरे महीने में 3 या 4 वीडियोस लाऊंगा जहां पे मैं इन टोटल कुछ 15 से 20 वेबसाइट्स को रिव्यू करूंगा एंड डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि वेबसाइट रिव्यू में क्या क्या हमें देखने मिलता है। तो अगर दोस्तों हम स्टार्ट करें, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वो गूगल फॉर्म है जो आप लोगों ने भरा है एंड यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे सबमिशंस में मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने वेबसाइट 1 महीने पहले स्टार्ट करी है, राइट, एंड वो ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं उनकी वेबसाइट का एनालिसिस करूं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्लॉगिंग और जो SEO या फिर कोई भी इस डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आप अगर कुछ भी काम करते हो और आप अगर ये सोच रहे हो कि सब कुछ बहुत क्विकली हो जाएगा, कुछ शॉर्टकट तरीका मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे ChatGPT SEO AI से $3,000 कमा लो, $4,000 कमा लो, दोस्तों ये सब फेक है, ये सब एक तरीका है आपको उनके अफिलिएट लिंक्स प्रमोट करने का, राइट। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। कोई भी आप शॉर्टकट मेथड यूज करके आप ब्लॉगिंग में, SEO में या डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको जेन्युइनली अपनी स्किल पे काम करना होगा, आपको जेन्युइनली अपनी स्किल बिल्ड करनी होगी, तो जाके दोस्तों आप कहीं अपने फर्स्ट $100 कमा पाओगे इस इंटरनेट मार्केटिंग की इंडस्ट्री से। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे, आप सोचोगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपका कोई वेबसाइट चल जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने बेसिक्स बहुत क्लियर करने पड़ेंगे SEO ब्लॉगिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, तब जाके आपकी चीजें चलेंगी, आपको चीजें समझ आएंगी, आपको एक्चुअली में मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने काम में, तो जाके दोस्तों आपके ब्लॉग जो है वो चलेंगे, आपके SEO वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक बार हम सबमिशंस देख लेते हैं। ये कुछ टोटल सबमिशंस है जो मेरे पास अभी तक आए हैं। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 नवंबर को 1:30 बजे एंड अगर हम वेबसाइट रिव्यू से स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि इस पार्ट वन ऑफ द वीडियो में मैं कुछ 5-6 वेबसाइट का डिटेल एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ही मैं कुछ वेबसाइट्स को फिल्टर आउट कर दूंगा, मतलब जिनको मैं देखूं नहीं, तो जैसे स्पेशली जो वेबसाइट्स 1 महीने या उससे भी कम है मैं उनको यहाँ पे रेड हाईलाइट कर दूंगा, बिकॉज 1 महीने में दोस्तों आपको ट्रैफिक नहीं आ सकता। तो अगर आप 1 महीने से कम वाली वेबसाइट रिव्यू के लिए भेज रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो वेबसाइट ट्रैफिक 1 महीने में, कोई भी नई वेबसाइट, नया डोमेन ट्रैफिक नहीं ला सकता जब तक वो कोई एक्सपायर्ड डोमेन ना हो। मैंने ऑलरेडी अपनी अपने चैनल पे सीरीज बनाई हुई है एक्सपायर्ड डोमेन से ट्रैफिक कैसे लें, सो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ मैं अगर और देखूं किसने मंथ्स वाला सबमिशन किया था, बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट 1 महीने पहले बनाई है एंड उनको लग रहा है कि ट्रैफिक आ जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, 1 महीने में आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आने वाला। सो वो उनको एक बार मैं हाईलाइट करके साइड कर देता हूँ। अभी के लिए इतना इनफ है, अब एक एक करके दोस्तों वेबसाइट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वो प्रतीक करके बंदा है, उसकी ये वेबसाइट है fitfromhome.blog। तो अगर मैं एक बेसिक देखूं तो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड अच्छी है, वेबसाइट पे इन्होंने जनरेट प्रेस थीम डाली हुई है, तो सबसे पहला सजेशन कि आप ये नीचे फुटर से ये जनरेट प्रेस हटा दो, क्योंकि आप यहाँ पे उस वेबसाइट को बैकलिंक दे, सो जनरेट प्रेस को ये हटा दो आप। और अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स आपने कैसे कवर करे हैं, आर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स द सेम थिंग्स, स्ट्रेचिंग कैन मेक यू टॉलर, ओके, आपकी वेबसाइट आप कह रहे हो 6 महीने से कम पुरानी है ना, आपने कंटेंट बहुत कम डाला हुआ है। सो पहला सजेशन तो मैं आपको यही दूंगा कि कम से कम इस पे कोशिश करो कि डेली आप 1 से 2 कंटेंट डाल पाओ, अच्छा कंटेंट।
अब क्योंकि मैंने कंटेंट बता दिया तो चलिए मैं एक बार आपका कीवर्ड का भी देख लेता हूँ कि आप कैसे कीवर्ड्स कवर कर रहे हो, क्या ये अच्छे कीवर्ड्स हैं भी या नहीं है। तो एक बार चलिए इस ब्लॉग को एचएफएस में डाल के देख लेते हैं कि क्या इनके कीवर्ड्स वगैरह पिक हुए या नहीं हुए। यहाँ पे एक बार हम इनकी वेबसाइट भी लिख लेते हैं। तो सजेशंस में मैंने आपको क्या क्या दिया, सबसे पहले आपको साइट डिजाइन में फुटर पे वर्क करना है, इसके साथ साथ आपको थोड़ा और अच्छा डिजाइन करना है अपने ब्लॉग को, कंटेंट एटलीस्ट 1 a day डालने हैं, अगर हम देखें तो आपने ये डोमेन खरीदा था सितंबर में और आपके कीवर्ड्स उठ रहे हैं जो कि अच्छी बात है। तो अगर हम देखें यूएस में इंडिया में आपके कीवर्ड्स उठ रहे हैं, इज वर्किंग आउट अ हॉबी, बहुत बढ़िया बात है, आपके कीवर्ड्स अच्छे खासे पिक हो रहे हैं। सो आप यही कर सकते हो कि आपके जो कीवर्ड्स पिक हो रहे हैं, जैसे चक्रासन, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो एग्जैक्टली इसी के अराउंड और कीवर्ड्स को कवर कर सकते हो, जैसे चक्रासन है, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूएस में लोग ये सर्च कर रहे हैं, हम इंडिया भी देख लेते हैं, इंडिया में थोड़े ज्यादा सर्चेज होते हैं योगा के। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ कीवर्ड्स भी दिखाता हूँ, यहाँ पे ये वो कीवर्ड्स हैं जो आप और कवर कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपके उस पर्टिकुलर टाइप के कीवर्ड्स गूगल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करी है वो अच्छी कीवर्ड रिसर्च करी है, राइट। सो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो, बस आप अगर इन तीन चीजों पे काम करते हो कि एक अपनी थोड़ी वेबसाइट को और अच्छा बना लो, यहाँ पे थोड़े मेन्यूज में चेंजेस कर लो, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली अपनी कैटेगरीज डाल दो, ये सब पेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते टॉप पे शो करने के लिए, या फुटर में शो कर सकते हो, साइट को थोड़ा और सुंदर डिजाइन कर लो, कंटेंट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दो, क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने 13 नवंबर के बाद कोई आर्टिकल नहीं डाला है, आज 15 दिन हो गए आपने कोई आर्टिकल नहीं डाला है, तो ऐसे काम नहीं चलता, आपको रेगुलर इस ब्लॉग पे काम करना पड़ेगा, रोज का एक आर्टिकल डालो, कीवर्ड्स आप अच्छे डाल रहे हो, आपके कीवर्ड्स पिक भी हो रहे हैं, तो ऐसे ही आप अगर काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग ग्रो करेगा। आप इसको गूगल एडसेंस और अमेजोन अफिलियट से मोनेटाइज कर सकते हो, बुक्स सेल कर सकते हो, कोर्सेस सेल कर सकते हो योगा के ऊपर, एंड इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये ब्लॉग हमारा रिव्यू हो गया, तो इसको हम एक बार ग्रीन मार्क कर देते हैं, अच्छा ब्लॉग लगा मेरे को ऑनेस्टली। देन ये ब्लॉग है, नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा है, इनकी वेबसाइट है ये, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, पहले वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो इन्होंने भी अगेन जनरेट प्रेस थीम यूज करी है, इनकी डिजाइनिंग ठीक है, ये जो डिस्क्लेमर अबाउट द ब्लॉग वाले पेजेस है इनको आप थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो, एंड अपनी मेन्यू को बस वही चीजें रखो जो इंपॉर्टेंट है, एंड आप भी जनरेट प्रेस का ये फुटर से हटा दो। कीवर्ड्स जो आप कवर कर रहे हो वो अच्छे कीवर्ड्स हैं, फिर भी मैं एक बार इसको एचरेफ्स पे एनालाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहला फीडबैक तो आपके लिए ये है कि आप अपने होम पेज के मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल को अपडेट करिए, आपने कोई भी यहाँ पे होम पेज पे टाइटल नहीं दिया हुआ, तो होम पेज का टाइटल आप बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं, आपको वर्डप्रेस में जाना है, सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, वहां पे आप अपना वेबसाइट का नाम और उसका टाइटल डिफाइन करिए। ट्रैफिक आ रहा है आपके ब्लॉग पे जो कि काफी अच्छी बात है, एंड आपके कीवर्ड्स भी अच्छे खासे रैंक हो रहे हैं, सो बहुत बढ़िया, गुड जॉब, आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, आपने काफी अच्छे कीवर्ड्स को पिक करा हुआ है, इसी तरह आप कीवर्ड्स डालते रहो। एंड अगेन जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपने भी 4 नवंबर के बाद कोई आर्टिकल पोस्ट नहीं करा, तो ऐसा मत करिए, रेगुलर कोशिश करिए कम से कम एक आर्टिकल डालने की, थोड़ा बहुत अपने ब्लॉग के डिजाइन के ऊपर काम करिए, जैसे आप कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो ये अच्छे कीवर्ड है, आपके नंबर 1 पे कीवर्ड रैंक कर रहे हैं जो कि एक नए डोमेन के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। होम पेज का टाइटल अपडेट कर दीजिए, मेन्यू को रिडिजाइन कर दीजिए, ऐसे ही काम करते रहिए, आपका ब्लॉग डेफिनेटली ग्रो करेगा, एंड आपने बहुत अच्छा काम किया। सो सजेशंस आपके लिए ये है कि कॉन्टेंट अपलोड आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, मतलब ब्लॉग पोस्ट जो होते हैं, मोर ब्लॉग पोस्टिंग, इसके साथ साथ वेबसाइट डिजाइन थोड़ा बेटर, और आप थोड़ा मेन्यू पे काम कर लीजिए, मेन्यू अपना अपडेट कर लीजिए, दैट्स इट। आपने काफी अच्छा काम करा है, मेरे को काफी अच्छा लगा आपका ब्लॉग देख के। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखें और क्या क्या ब्लॉग्स आए थे, तो अच्छा ब्लॉग था ये। नेक्स्ट, ये किसी ने मराठी में इन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, अच्छी नीश आपने चूज करी है, पर अगर मैं देखूं तो आपने साइट डिजाइन थोड़ा अच्छा नहीं किया हुआ है, तो आप अपना साइट डिजाइन इंप्रूव करिए, मेरे को थोड़ा ये मोबाइल फ्रेंडली भी कम लग रहा है,
साइट डिजाइन को थोड़ा इम्प्रूव करिए, और अगर मैं आपके कीवर्ड्स वगैरह की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आपके कीवर्ड्स की बात करूं तो अगेन वेल डन, गुड जॉब, आपके भी यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो पिक हो रहे हैं। एंड ऐसे ही अगर आप काम करते रहोगे, आपकी वेब स्टोरीज वगैरह रैंक कर रही हैं, अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। आप बस अपने थोड़े वेबसाइट डिजाइन पे काम करो, राइट, और कीवर्ड नीश आपने अच्छी चूज करी, वेबसाइट डिजाइन देखो अगेन आपका थोड़ा अच्छा नहीं है, वेबसाइट डिजाइन थोड़ा अच्छा करो, थोड़ी वेबसाइट को स्टाइलिश बनाओ, कीवर्ड्स आप अच्छे कवर कर रहे हो, ऐसे ही आप काम करते रहोगे, डेफिनेटली आपको आपकी वेबसाइट में सक्सेस मिलेगा। सो बस आप अपने वेबसाइट डिजाइन पर काम करो और कंटेंट पोस्ट करते रहो। नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ अगर हम चले, सो ये है filmywoody.com। ओके, सो फुटर से ये हटा दीजिए आप जो थीम यूज कर रहे हैं, एंड ये भी देखने में एक ठीक ठाक वेबसाइट लग रही है, इसको भी एक बार खोल लेते हैं, इसका एक बार एचरेफ चेक कर लेते हैं। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली आपके कोई कीवर्ड्स पिक नहीं हुए, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो आपके कीवर्ड्स इंडेक्स ही नहीं हो रहे हैं, तो अपने गूगल सर्च कंसोल के एरर्स पे काम करिए। यस, आपके आर्टिकल्स इंडेक्स ही नहीं हो रहे, सो आपको वो ठीक करना पड़ेगा, तो जाके एक बार आपके कीवर्ड्स इंडेक्स होते हैं तो जाके आपके कीवर्ड्स रैंक करना स्टार्ट करेंगे। और अपने मेन्यू को भी अगेन थोड़ा सा बेटर डिजाइन करिए, अच्छा रहेगा आपके ओवरऑल ब्लॉग के लिए। तो आपके लिए मेरे पास क्या सजेशन है, इस वेबसाइट के लिए मेरे पास सजेशन है, अपनी इंडेक्सिंग फिक्स करिए एंड साइट डिजाइन अपना इम्प्रूव करिए, दैट्स इट। अभी के लिए आप ये करो आपके, क्योंकि कीवर्ड्स ही इंडेक्स नहीं हुए, तो मैं इससे ज्यादा अभी आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके करंट कीवर्ड्स ही वो पिक अच्छे से नहीं हुए, इन्होंने अपनी वेबसाइट ही नहीं दी, तो इनको क्या रिव्यू किया जाए। इनकी भी वेबसाइट में अच्छे से इन्होंने बनाई नहीं है, स्लो है वेबसाइट इनकी थोड़ी, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट स्पीड पे काम करना है और डिजाइन पे भी। आपके भी कीवर्ड्स अभी तक नहीं उठे हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो चेक करते हैं कि आपके आर्टिकल इंडेक्स। पहली बात तो आपको अपने कीवर्ड्स को चेंज करना है, आप ऐसे कीवर्ड्स मत कवर करिए स्टार्टिंग में, आप थोड़े ऐसे कीवर्ड्स कवर करिए जहां पे न्यूज ना हो तो बेटर है। आपके भी कीवर्ड इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, सो आपको भी अपनी इंडेक्सिंग पे वर्क करना है, एंड इंडेक्सिंग पे वर्क करना है, कीवर्ड्स आपको चेंज करने हैं, एंड इसके साथ साथ साइट स्पीड एंड डिजाइन पे वर्क करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक मैं कुछ 5 वेबसाइट्स रिव्यू कर रहा हूँ, इस वीडियो के लिए मैं एक लास्ट वेबसाइट का रिव्यू करूंगा एंड फिर देखते हैं कि हम और क्या वर्क कर सकते हैं। सो ये भी अच्छी वेबसाइट, थोड़ी इनको काम करने की अभी जरूरत है, ये वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। इन्होंने तो दोस्तों वेबसाइट पे कुछ काम ही नहीं किया हुआ। दोस्तों प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर ब्लॉगिंग एसईओ में आ रहे हो तो दोस्तों प्लीज सीरियसली काम करो। ये क्या, इन्होंने मेरे को वेबसाइट सबमिट किया, कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया हुआ, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा? नहीं आने वाला है दोस्तों ट्रैफिक, आपको जेन्युइनली काम करना पड़ेगा। ऐसे आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, सामने वाले का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, मत करिए ऐसा काम जिसमें आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो। सो यहाँ पे क्रिकेट प्रिक्स करके एक वेबसाइट है, एक बार इनका भी रिव्यू कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट वेबसाइट रिव्यू। एक दूसरी वीडियो भी मैं बनाऊंगा, वहां पे भी मैं रिव्यू करूंगा। सो आप उसी कम्युनिटी पोस्ट में जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं, रिव्यूज आते रहेंगे। हर महीने में कम से कम कोशिश करूंगा कि 10 वेबसाइट्स को पर्सनली रिव्यू करूं, पर मेक श्योर आपको करना है कि जिस क्राइटेरिया के हिसाब से मैं रिव्यू करूं वो सब क्राइटेरिया आपके तरीके से फुलफिल हो रहे हैं। सो ओके, इनको ट्रैफिक आया था पास्ट में, इनका ट्रैफिक गिर गया, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रेंड हो सकता है अगर, हाँ करेक्ट। सो ये कुछ ड्रीम 11 वाले कीवर्ड्स टारगेट कर रहे थे, अच्छी नीश है, आप कर सकते हो। आपके लिए मेरे पास एज सच कोई सजेशंस नहीं, थोड़े पॉपअप्स कम कर दीजिए अपनी वेबसाइट पे, कीवर्ड्स आपके अच्छे हैं, नीश अच्छी है, आप ऐसे ही काम करोगे देन डेफिनेटली आपके ब्लॉग जो है वो अच्छा खासा चलेगा। सो कोई ज्यादा सजेशन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने पॉपअप्स को कम करना है, थोड़ा डिजाइन अच्छा करना है, पॉपअप्स एंड डिजाइन, रेस्ट आपने नीश और कीवर्ड्स काफी अच्छे चूज करें।
दोस्तों यही था मेरी आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं और भी वेबसाइट्स को रिव्यू करने वाला हूँ एंड आपको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।